नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। पूर्व की भांति आज भी हमारी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा की प्रकृति, खासतौर से यहाँ हम भाषाई प्रकृति की बात कर रहे हैं। किसी भी भाषा के लिए बातें लागू होती है। आखिर हम भाषा की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, व्याकरण की बात करते हैं, लेकिन भाषा के मूल तत्व को समझना जरूरी है। यहाँ इस बात की हम चर्चा करेंगे कि आखिर भाषा की प्रकृति क्या है। बच्चों, आप अलग अलग भाषा भाषी क्षेत्र के हैं, अलग अलग भाषाएं लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन वाकई भाषा की प्रकृति क्या होती है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपकी नजर नहीं जाती है। मैं आज इस चर्चा के क्रम में आपको इन तमाम बिंदुओं से रूबरू कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि भाषा की प्रकृति क्या होती है। ये बातें किसी भी भाषा के संदर्भ में लागू होती है। वैसे तो खास तौर से मैं हिंदी की चर्चा किया करता हूँ, क्योंकि एक हिंदी एजुकेटर होने के नाते मेरा यह दायित्व है कि हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अपने को समर्पित करूं, आपको हिंदी से लाभान्वित कराऊं, ताकि आप भी हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में अग्रसर हों और उसका लाभ उठाएं। बच्चों, हिंदी भारत में जितनी तमाम भाषाएं हैं उसमें हिंदी सबसे ऊपर है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में है, हिंदी राजभाषा के रूप में है और राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी है। ये बात और है कि हमने उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया है, लेकिन यदि कोई भाषा इसकी हकदार है तो वह मात्र हिंदी ही है और कोई दूसरी भाषा नहीं है। वैसे भी भारत को छोड़ दिया जाए तो भारत से बाहर विश्व पटल पर हम नजर डालें तो ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं बच्चों कि हिंदी संपूर्ण विश्व में जितनी भाषाएं हैं, जैसा कि मैंने दूसरे वीडियो में बताया भी है कि विश्व में भाषाओं की कुल संख्या 3000 के आसपास है, 12 भाषा परिवारों में तमाम भाषाओं को बांटा गया है और उसमें हिंदी भारतीय परिवार में आती है। लेकिन जब हम विश्व पटल पर हिंदी प्रयोग की बात करते हैं, भाषा प्रयोग की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले चीनी भाषा का स्थान आता है और दूसरे नंबर पर हिंदी और तीसरे नंबर पर अंग्रेजी का स्थान आता है। यानी हमारी प्रगति दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है और वह दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व के सर्वोच्च शिखर पर होगी, यानी प्रथम स्थान हासिल करके ही दम लेगी। इस तेजी से उसका विकास हो रहा है, इसलिए एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमारा भी यह पुनीत कर्तव्य है कि हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में हम पुरजोर कोशिश करें और उसका लाभ भी उठाएं, ज्ञानार्जन भी करें, दूसरे को इसका लाभ दें, दूसरों तक इसका लाभ पहुंचाएं। तो पुनः हम आते हैं इस बिंदु पर जो हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है, जो मूल बिंदु है, जो हमारी चर्चा का विषय है और वह है भाषा की प्रकृति। जैसा कि हमने भाषा के बारे में जाना है, पुनः चर्चा के क्रम में मैं एक बार और बता देता हूँ कि इस भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। यानी मनुष्य इस भाषा के माध्यम से अपने विचारों का, अपने भावों का आदान प्रदान करता है। वाकई ये शक्ति किसी और को प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम में चेतना है। ईश्वर ने बड़े सोच समझ के इत्मीनान के क्षण में मानव की सृष्टि की है और उस विधाता की सृष्टि में वैसे बहुमूल्य तत्व हमें मिले हैं जो किसी और को नहीं मिले। निसंदेह हम भाषा की बात करते हैं और भाषा की इस प्रकृति में पहली प्रकृति मैंने बताया है। आपकी सुविधा के लिए बच्चों मैंने यहाँ प्रमुख बिंदुओं का संकलन किया है, क्योंकि ऐसा संकलन शायद ही आपको किसी पुस्तक में मिले, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप स्कूली पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि आज
अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी का अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्थितियों में, ऐसे परिदृश्य में, यह लाजमी है कि हम हिंदी के तमाम मौलिक तथ्यों से परिचित हों और हमें कोई कठिनाई न हो। तो यहाँ मैंने बताया है बच्चों कि भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। गौर करने वाली बात है, भाषा की मूल प्रकृति है। हम यहाँ पर किसी भी भाषा की बात कर रहे हैं, यहाँ खासतौर से हिंदी की बात नहीं हो रही है, किसी भी भाषा के संदर्भ में ये बातें लागू होती है बच्चों कि भाषा एक सामाजिक शक्ति है। निसंदेह भाषा का प्रचार प्रसार, भाषा का प्रयोग, भाषा का आदान प्रदान समाज के अंतर ही हुआ करता है। जाहिर सी बात है यह सामाजिक शक्ति है और मनुष्य को प्राप्त है जन्म से। भाषा वार्ता नीर की तरह प्रभावित होती है बच्चों, जिस तरह नदी बहती ही चली जाती है ठीक उसी तरह भाषा आगे बढ़ती है, भाषा का क्रमिक विकास होता है। हम किसी भी भाषा के इतिहास को देखें तो जो पहले स्थिति थी वर्तमान समय में वह नहीं है और आने वाले समय में उसका स्वरूप कुछ और होगा। यानी कहीं न कहीं दूसरे भाषा के शब्दों का भी समावेश होता रहता है और इस तरह उस भाषा के शब्दकोश बढ़ते रहते हैं। समय के अनुसार हम नए नए नियम बनाते हैं, व्याकरणिक कसौटी पर उसे तौलते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है। हम चूंकि यहाँ हिंदी की चर्चा कर रहे हैं इसलिए हिंदी में ये बातें लागू होती है। हिंदी भी जो पहले थी और जो आज है और आने वाले समय में जो उसका रूप होगा, काफी परिवर्तन आएगा इसमें बच्चों। परिवर्तन इसलिए आएगा कि समय के साथ भाषा के प्रयोग पर आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है और उसे जनमानस के सहूलियत के हिसाब से उसके प्रचार प्रसार और उसके प्रयोग की दिशा में नए नए सुझावों को मान्यता दी जाती है ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग सहज हो, सरल हो, सुगम हो। यदि कोई भाषा प्रयोग में सुगम नहीं है, सरल नहीं है, सहज नहीं है, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से उसका प्रयोग नहीं हो सकता तो फिर उस भाषा का औचित्य क्या है? आखिर भाषा का प्रयोग तो इंसान ही करते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि हम भाषा के वैसे प्रयोग पर बल दें जो व्यक्ति विशेष के लिए बड़ा ही सरल हो, सहज हो, सुगम हो। बच्चों तीसरी प्रकृति है भाषा की, वह है भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। हम किसी भी भाषा की बात करें, किसी भी भाषा का जो मूल रूप है वह है मौखिक, जिसे हम बोली कहते हैं, इसे उच्चरित भाषा भी कहते हैं और इसके बाद उसका लिखित रूप आता है। यानी पहले हम बोलते हैं फिर उसे सांकेतिक रूप देते हैं, यानी लिपि की बात करते हैं और लिपि के बाद उसे हम पुनः अस्थायित्व प्रदान कर देते हैं। तो इन दो रूपों पर आपकी नजर होनी चाहिए। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाषा के कितने रूप हैं, तो निसंदेह आपका जवाब होगा कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा का मूल रूप है बच्चों और लिखित गौण रूप है, यानी लिखित रूप बाद में आया। जब सबसे पहले हमने बोलना सीखा, ध्वनियों को हमने सांकेतिक रूप दिया, लिपिबद्ध किया, नहीं अक्षर बने और इसके बाद फिर शब्द निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर हमने उसे अस्थायी रूप। तो ये तमाम इस तरह का जो विकास है, इस विकास परंपरा को ध्यान में रखना है कि किस तरह हमने भाषा को विकसित किया अपने सर्व समाज में। चौथी प्रकृति है बच्चों भाषा वाक्यों से बनती है। जाहिर सी बात है वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से। जैसा कि मैंने कहा कि भाषा का जो मूल रूप है मौखिक है, हमने ध्वनियों को सांकेतिक रूप दिया और उसे लिपिबद्ध किया, यानी उसकी लिपि बनाई, उस लिपि के सार्थक संयोग से शब्द बने और शब्दों के सार्थक संयोग से वाक्य बने, और जब वाक्य बना तो हमने वाक्य में अपने भावों को, अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उसे भाषा का रूप दे दिया गया। ये बातें किसी भी भाषा के परिप्रेक्ष्य में लागू होती है। तमाम भाषाओं के साथ यही बात है, सबकी अपनी बोलियां हैं, सबकी अपनी लिपियां हैं, वर्ण हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं और इस तरह भाषा
संचालित होती है, उसका लिखित रूप हमारे सामने आता है, हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे की भावनाओं को बखूबी समझते हैं। तो ये तमाम जो भाषा की प्रकृति है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस मूल तत्व को, मूल रूप को, मूल तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि आखिर भाषा की प्रकृति कौन कौन सी हुआ करती है। भाषाओं की चर्चा तो हम खूब करते हैं, लेकिन वाकई भाषा का स्वरूप क्या है इस पर भी चर्चा आवश्यक है, इसे भी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों ऐसे कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जहां हम हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका जवाब क्या होना चाहिए। इसलिए मैं आज यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे जब बिंदु आए, ऐसे जब मसले आए, ऐसी जब समस्याएं आए, तो आप उसका निराकरण कैसे करेंगे। इसके बाद जो पांचवी प्रकृति है बच्चों, भाषा के अंग शब्द है, वाक्य है, शब्द है और मूल ध्वनियां, यानी सबसे पहले मूल ध्वनियां, उसके बाद वर्ण, वर्णों से शब्द बने और शब्दों से वाक्य बने। इस तरह भाषा के तीन अंग, मूल ध्वनियां, शब्द और वाक्य। तो इस तरह से मोटे तौर पर हमने कुछ पॉइंट्स में भाषा की प्रकृति का उल्लेख किया जो आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, और आपने बखूबी जाना, समझा, मेरी बातों को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये बातें आपको समझ में आई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि परेशानी है तो आप कमेंट करेंगे और उसका निराकरण निश्चित रूप से किया जाएगा। इसके बाद है बच्चों भाषा के विविध रूप। आखिर जब भाषा विकास प्रक्रिया के पायदान पर सवार हुई तो आगे कैसे बढ़ी, उसके कौन कौन से रूप हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं, ये भी जानने की आवश्यकता है। यह भी कुछ ऐसा तथ्य है जिस पर आम बच्चे जानते नहीं भूल जाते हैं या उसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बच्चों मेरी सलाह है कि आप इन तथ्यों को भी जानें। ये तथ्य आपके लिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए बड़े काम के हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम में हायर एजुकेशन के लिए, जब उच्च शिक्षा में आप जाएंगे तो भी, यदि आप लिंग्विस्टिक लेते हैं, भाषा विज्ञान लेते हैं, तो भाषा के मूल रूपों से परिचित होने की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो भाषा के रूप को तीन भागों में विभक्त किया गया है बच्चों। आपकी सुविधा के लिए मैंने व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया है और बखूबी इस डायग्राम के द्वारा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर भाषा के वे कौन कौन से रूप हैं। बच्चों मेरा मकसद यह है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं हिंदी की तमाम उन छोटी छोटी बिंदुओं की चर्चा करूं, वैसी जानकारी पहुंचाऊं जो आज आपको शायद ही प्राप्त होती हो या आप उसे नजरअंदाज करते हैं। मेरा उद्देश्य है आप तक सही जानकारी पहुंचाना, आपको लाभान्वित करना, आपका ज्ञान वर्धन कराना, ताकि आप भी औरों का ज्ञान वर्धन करा सकें, और शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान वितरित करने की वस्तु है। तो भाषा के रूप में जो पहला रूप है वह है बोलियां। बोलियां को बच्चों हम लोग डायलेक्ट कहते हैं, डायलेक्ट। बोलियां को हम लोग डायलेक्ट कहते हैं, यानी किसी भी समाज में क्षेत्रीय स्तर पर जो बोलचाल, विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है वह बोली है। बोली हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद बदल जाती है, उसमें भिन्नता देखने को मिलती है, उसके उच्चारण में समानता नहीं होती। इसलिए
अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां हैं। निसंदेह यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि बोली भाषा का वह रूप है जो सीमित क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। सीमित क्षेत्रों का अभिप्राय छोटे गांव, छोटे कस्बे, इस स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारत में बोलियों की संख्या 600 के आसपास है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि भोजपुरी, मगही, अवधी, ये सब बोलियां हैं। सीमित क्षेत्रों में पहले बोली जाती थी। और जैसे भोजपुरी की बात करें, भले ही भोजपुरी को आज भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन भोजपुरी में ही अलग अलग क्षेत्रों की उच्चारण करने की जो प्रक्रिया है, जो तौर तरीके हैं, उसमें भिन्नता देखी जाती है। यानी बोलियों का रूप बड़ा ही सीमित होता है, हर 2-4 किलोमीटर के बाद उसमें बदलाव आता है। इस तरह हम इस चर्चा पर पहुंचते हैं कि ये जो बोलियां हैं भाषा का सीमित रूप है। भारत में बोलियों की संख्या 600 के आसपास है। उदाहरण के तौर पर मैंने भोजपुरी, मगही और अवधी का नाम लिया। बोलियों के बाद आता है परनिष्ठित भाषा, यानी भाषा की जो प्रारंभिक स्थिति है बोली, बोली का जब विकास होता है तब उसे हम परनिष्ठित भाषा कहते हैं। परनिष्ठित भाषा का अभिप्राय है बच्चों कि बोली का जो क्षेत्रीय बोलियां थी उसका व्याकरण से परिष्कृत रूप, यानी जैसे ही बोली व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित होती है, उसका प्रयोग होता है, तो फिर हम उसके व्याकरण की बात करते हैं, उसे व्याकरण से जोड़कर देखते हैं, और व्याकरण भाषा को परिष्कृत करता है। तो जैसे ही बोलियों को व्याकरण से रूबरू कराया जाता है, व्याकरण की कसौटी पर कसा जाता है, उसका परिमार्जन किया जाता है, उसे परिष्कृत किया जाता है, तो उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है बच्चों कि अभी हम यहाँ पर बोली की बात कर रहे थे और यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं, यानी जो क्षेत्रीय रूप था वह आगे बढ़ा, व्यापक स्तर पर पहुंचा और उसे हमने व्याकरण की कसौटी पर कसा और उसे नाम दिया गया परिनिष्ठित भाषा का। उदाहरण के तौर पर इसे खड़ी बोली, खड़ी बोली क्या है? परिनिष्ठित भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, बखूबी आप जानते हैं। यहां मैंने आपको समझाने के लिए ये बातें बताई कि बोली का व्याकरण सम्मत रूप, व्याकरणिक रूप, व्याकरण द्वारा परिष्कृत रूप परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। यानी बोली से ही भाषा बनी और इसी परिनिष्ठित भाषा से राष्ट्रभाषा का अभ्युदय होता है, विकास होता है, जन्म होता है। यानी जब परिनिष्ठित भाषा सामाजिक शक्ति को प्राप्त करती है, बड़े ही विस्तृत अर्थों में उसका प्रयोग होने लगता है, प्रचार प्रसार होने लगता है, व्याकरणिक रूप हमारे सामने आता है, तो फिर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति को पाकर वह राष्ट्रभाषा या राजभाषा का रूप लेती है। अब यहां गौर करने वाली बात है कि हमारे देश में 15 जो विकसित भाषाएं हैं उसमें हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा रहा है, वह उस मुकाम तक पहुंच चुकी है। अब यहां हम गौर करें कि ये भोजपुरी, मगही और अवधी, ये तमाम बोलियां खड़ी बोली हिंदी में समाहित है और यह परिनिष्ठित भाषा राष्ट्रभाषा का रूप लेती है।
यानी आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह क्रमिक विकास होता है बोलियों का परिनिष्ठित भाषा में और परिनिष्ठित भाषा का राष्ट्रभाषा या राजभाषा में। हम बाद में और स्पष्टता के साथ मैं बताऊंगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा का फर्क क्या है, लेकिन यहाँ पर बखूबी ये बात समझने की आवश्यकता है कि किस तरह भाषा विकास प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, किस तरह बोली व्यापक प्रयोग के आधार पर परिनिष्ठित रूप को प्राप्त करती है, व्याकरण से जुड़ती है, और जब उसका ज्यादा प्रचार प्रसार होता है, जब उसमें साहित्यिक रचनाएं होती है, तो पुनः राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस वीडियो में भाषा की प्रकृति और भाषा के जो रूप हैं, इन दो मुख्य बिंदुओं को आपने बखूबी समझा है, जाना है, और आप अपने दोस्तों को भी इसे लाभान्वित करेंगे, आप अपने परिवार के सदस्यों को भी इसे लाभान्वित करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और भी नई नई जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों।